गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वन साइड प्लीटेड हाई लो टॉप। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले मैं इसे 4-4 में फोल्ड कर लूंगी। उसके बाद आपको अपना कोई भी फिटेड टॉप रखिए और फोल्डेड साइड पर प्लेस कर लीजिए इस तरह। उसके बाद आपको लेंथ देखनी है। यहाँ पे मैं 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ बॉडी की। उसके बाद आप साइड मार्क कर लीजिए और उसके बाद नेक मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एक्सटेंडेड स्लीव बना रही हूँ तो वहीं से मैं आर्म होल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और शोल्डर में एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने एक्सटेंडेड स्लीव का टॉप डिटेल में पहले भी शेयर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वो डिटेल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसे सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। कट करने के बाद आपको नेक हेम करना है 1 इंच अंदर डाल के, शोल्डर हेम करना है, साइड्स हेम करना है और स्लीव का बॉटम हेम कर लेना है 1 इंच अंदर डाल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें हेम कर ली। उसके बाद मैं टॉप को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमारी बॉडी रेडी है। उसके बाद जो नीचे का बॉटम हम कट करेंगे तो सबसे पहले मैं सेंटर मार्क कर लूँगी अपनी बॉडी का। उसके बाद सेंटर आप देख सकते हैं आप इस तरह फोल्ड करके मार्क कर लीजिए और ईच साइड आप देखिए कितना है। तो मेरा 7.5 है तो मेरा पूरा फ्रंट होता है 15 इंच। तो 15 इंच आपको ईच साइड का लेना है। तो अगेन मैंने फोल्ड कर लिया, एक फैब्रिक ले लिया और एक साइड का मैं सबसे पहले कट करूँगी। तो एक साइड के लिए मैंने 7.5 लिया है फोल्ड करके। उसके बाद मैंने एक बॉक्स बना लिया और उसकी लेंथ लिया है मैंने 31 इंच। इसके बाद आप उसे सीजर से कट कर लिया और यहाँ पर मेरा एक साइड का रेडी है। ये मेरा हाई साइड का है। उसके बाद जो लो साइड प्लीटेड है उसके लिए हम अगेन दूसरा एक फैब्रिक लेंगे। उसमें आपको इस तरह से प्लीटेड बनाने रहना है 15 इंच तक। इतना प्लीट बना कि 15 इंच तक का तैयार होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा तैयार है। उसके बाद आप अपने हाई साइड का प्लेस करेंगे और जो एक्सटेंडेड फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। उसके बाद आपको हेम कर लेना है दोनों साइड। इस तरह आपको मिला कर हेम कर लेना है और जितने भी रॉ एजेस है उसे भी हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स हेम कर लिए और जितने भी रॉ एजेस है उसे भी मैंने 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लिए है। उसके बाद आपको इसे स्टिच कर लेना है अपनी बॉडी के साथ। तो जो सेंटर है आपको सेंटर उस सेंटर में मिलाना है, प्लीटेड साइड का हाई साइड का इस तरह रखना और प्लीटेड साइड का इस तरह सेंटर से आपको पूरी स्टिचिंग दे देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग दे दी है। स्टिचिंग देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा टॉप बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहो तो जिस तरह भी आप डेकोरेट करना चाहो, पैच लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, पर मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। सो गाइज आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।